हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सभापति ताराराम माली का फूका पुतला। वाल्मीकि समाज ने सफाईकर्मी भर्ती में अन्य जातियों के लोगों को शामिल करने के विरोध में बुधवार को सभापति ताराराम माली के पुतले को कचरे की गाड़ी में डालकर पूरे शहर में घुमाते हुए जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंच अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। इसके उपरांत नगर परिषद कार्यालय के बाहर सभापति हाय हाय के नारे लगाते हुए पुतला फूंक दिया। इससे पूर्व वाल्मीकि समाज की महिलाओं ने जलते हुए पुतले के चारों ओर बैठकर रुद्रण करते हुए छाती पीटी। उन्होंने जिला कलेक्टर आशाराम डूडी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि जितने भी लोग सफाई कर्मी के रूप में नियुक्त हुए हैं उन्हें उसी पद पर रखा जाए। नई भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच की जाए। सूचना का अधिकार के तहत जो सूचनाएं मांगी गई हैं परिषद से वो तुरंत दिलवाई जाएं। नवीन चयनित लोगों से सफाई निरीक्षक द्वारा सफाई कार्य न करवाकर ऑफिस, गौशाला और आयुक्त के घर और स्टोर में भी नियुक्त किया गया है। उन्हें वहाँ से हटाकर सफाई कर्मी के रूप में कार्य करवाया जाए। स्टोर कीपर के व्यवहार से हम संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें वहां से हटाया जाए। ज्ञापन के उपरांत पुतले सहित वाल्मीकि समाज ने लोग नगर परिषद पहुंचे और परिषद के बाहर नारेबाजी करते हुए सभापति ताराराम माली के पुतले का दहन किया। सिरोही से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।